बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ये इस वक्त हम आपको ये चोहा सैदन शाह खिउड़ा, ये साल्ट रेंज का अंतहाई खूबसूरत इलाका, ये देखें। अभी शोर मचा हुआ है कि ये अभी सीमेंट फैक्ट्री लग रही है तो माहौल ख़राब होगा। तो ये देखें, उस वक्त खिउड़ा में ये ISI फैक्ट्री, ये सोडा ऐश फैक्ट्री और ये जहरीला मादा और पता नहीं क्या क्या जो है ना। तो ये देखें उस वक्त क्या, हमें पाकिस्तान के बाद अगर ये ISI खिउड़ा की फैक्ट्री उधर ना लगती तो ये उस वक्त अंतहाई पसमानदा इलाका था ये खिउड़ा, और सिर्फ खुश्क पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं था। मगर आप ये देखें, इधर ISI फैक्ट्री की वजह से ये एक आलीशान शहर खिउड़ा। अगर आप खिउड़ा में जाकर देखें तो ये एक जदीद और कदीम, मतलब एक इम्तदाज है ये सारा रहायशगाह का, और ये एक खूबसूरत शहर है। तो बहरहाल ये अभी ठीक है, माहौल ख़राब हो रहा है और सारा। तो ये सीमेंट फैक्ट्री, ये 70 अरब रुपए का ये मनसूबा बताया जा रहा है कि ये अभी जो चोहा गंज अलीशाह में। तो आप इधर साल्ट रेंज में देखें, भूख गुरबत और कोई बुनियादी सहूलतें इधर दस्तयाब नहीं है। तो बहरहाल ये ठीक है कि ये जो SOPs तय होते हैं तो उस पर ये सीमेंट फैक्ट्रियों ने पहले जो लगी हैं अमल नहीं किया। तो बहरहाल सीमेंट फैक्ट्रियों को SOPs पर सख्ती से पाबंद करके ये इस इलाके में एक तरक्की और खुशहाली का एक नया बाब जो है ना ये शुरू हो सकता है। तो बहरहाल ये हम आपको ये ISI खिउड़ा और ये सारा खिउड़े का खूबसूरत मंदिर दिखा रहे हैं। और ये देखें, ये सारा साल्ट रेंज का इलाका, ये बिल्कुल एक वो तनवीर अब्बास जाफरी इधर डिप्टी कमिश्नर चकवाल थे 1994 में, तो वो कहते थे साल्ट रेंज में पूरे पाकिस्तान की माशियत जो है ना ये इधर इसके अंदर मौजूद है। तो बहरहाल ये अब इस मदनियात को और यहाँ के लाइमस्टोन को और सारा इसको सामने लाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले अरसे में इसी साल्ट रेंज से सोना भी निकलेगा, यूरेनियम भी निकलेगा। तो ये बहरहाल ये देखें खूबसूरत मंदिर, इस वक्त हम आपको साल्ट रेंज के इलाके का और ये आगे ये खिउड़े का हम शहर आपको दिखा रहे हैं। वालेकुम। ये दिन के मनाजर हैं, दिन के टाइम के। ये साल्ट रेंज की पहाड़ी एरिया है साल्ट रेंज का, और ये खिउड़ा से चोहा सैदन शाह वाली रोड है। तो ये सामने जो नज़र आ रहे हैं सुरख रंग के पहाड़, ये जो हैं वो नमक के पहाड़ हैं। इनमें नमक पाया जाता है इन पहाड़ों में। और मैं ये खिउड़ा के ऐन ऊपर जो पहाड़ी है बिल्कुल उधर खड़ा हूँ, और ये आपको खिउड़ा सिटी नज़र आ रहा है कैमरे में, वीडियो में। ये सामने जो है ये ICI कंपनी सोडा ऐश जो है वो नज़र आ रही है। मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ, ये अभी आपको ये दिखाई दे रही होगी बिल्कुल। ये सामने जो है ये सोडा ऐश कंपनी है, और ये सोडा ऐश का जो है वो पानी जो है सोडे का वो नज़र आ रहा है। और ये नशेबी इलाके में जो ये मकानात नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं, ये छोटा सिटी है। वो सामने आपको दरिया नज़र आ रहा होगा इसमें कैमरे में, ये वीडियो में मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये सामने दरिया है। तो ये मैंने कहा आज दिन के टाइम के जो है वो मनाजर भी आपको दिखा देते हैं, और ताकि आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो ये पहाड़ी जो है ये इस साल्ट रेंज की पहाड़ी है, सारी ये साल्ट रेंज है। तो ये आगे जाता है जेलम तक, ये पहाड़ी सिलसिला जाता है। तो ये खिउड़ा जो है ये ज़िला जेलम का शहर है, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जो है चकवाल की हदूद शुरू हो जाती है, ज़िला चकवाल की। ये तकरीबन 1 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ने के बाद जो है वो चकवाल की हदूद शुरू हो जाती है। ये बहुत प्यारा इलाका है, मौसम बहुत प्यारा है यहाँ का, और इधर जो है सैर व तफरी के लिए बहुत से दोस्त अहबाब आते हैं। इंडिया से जो है, हिंदुस्तान से जो हिंदू और सिख बिरादरी है उनके
इधर हिंदुओं के मंदिर हैं और सिखों के गुरुद्वारे, वो लोग सालाना हर साल आते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा है और ख़ूबसूरत एरिया है, आप भी टाइम निकालें और विज़िट के लिए आएँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।